अपने बिस्तर पर करवटे बदलते हुए डब्बू चिल्लाया। उसकी माँ कुछ समय पहले अस्पताल से उसकी छोटी बहन को लेकर लौटी थी। सारी शाम उसकी बहन रोती रही। रोना बंद करो, मैं सो नहीं सकता, डब्बू ने अपनी छोटी बहन से कहा, पर वो रोती ही रही। डब्बू ने पलंग के नीचे, अटारी में, रसोई घर में, स्नान घर में भी सोने की कोशिश करी, पर सब बेकार। उसकी बहन की रोने की आवाज सब जगह उसका पीछा करती रही। वो एक तकिया उठाकर नजदीक के जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां कुछ जानवर खेल रहे थे। उसमें से कुछ जानवरों ने डब्बू से पूछा। सबसे पहले बाघ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चे? डब्बू ने बोला, मैं आज रात को सोने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। फिर बाघ बोला, तुम मेरी गुफा में सो सकते हो, मैं वहाँ चमगादड़ों के साथ बड़े मजे से रहता हूँ। फिर डब्बू बोला, नहीं नहीं वहाँ बहुत अंधेरा और नमी है। फिर डब्बू आगे बढ़ गया। उसे वहाँ एक कौवा मिला। कौवा बोला, तुम चाहो तो मेरे घोंसले में सो सकते हो। हमारा घोंसला तो बहुत छोटा है। फिर उल्लू ने जमाई लेते हुए बोला, तुम चाहो तो मेरी कोटर में सो सकते हो। तुम्हारी कोटर तो बहुत छोटी है, मैं इसमें कैसे सोऊंगा? फिर खरगोश बोला, तुम मेरे बिल में छो सकते हो। छी छी, तुम्हारे बिल में तो मेरा दम घुट जाएगा। वहीं पर झील के पास हिप्पो था। वो बोला, तुम मेरे झील में सो सकते हो। झील का पानी बहुत ठंडा है, इसमें मुझे ठंड लग जाएगी। हेलो डब्बू, मैं बंदर मामा, तुम चाहो तो मेरे पेड़ की डाल पर सो सकते हो। बंदर ने, बंदर मामा, इस पेड़ की डाल पे सोना तो दूर, मैं इस पे बैठ भी नहीं सकता। फिर मगर बोला, तुम मेरी दलदल में सो सकते हो। चिपचिपी और बदबूदार। डब्बू मगर से बुदबुदाता हुआ बोला। फिर वो थोड़ी दूर निकल गया। वहां उसे दीमक का एक टीला मिला। दीमक ने कहा, डब्बू मैं दीमक रानी हूँ, तुम मेरे टीले पे सो सकती हो। टीले पे तो बहुत धूल है, मैं सारे रात छिकता रहूंगा। तुम मेरे जाने पे सो सकते हो। मैं मकड़ी रानी हूँ, मकड़ी रानी मैं चले से सीधा गिर जाऊंगा। तुम मेरी बिल में सो सकते हो। मैं लोमड़ी रानी हूँ। अरे बाप, ये तो मुझे खा ही जाएगी। धन्यवाद लोमड़ी रानी, मैं सोचता हूँ कि घड़ी लौट जाऊं। फिर क्या था, डब्बू अपने घर वापस लौट चला। जब डब्बू वापस घर लौटा तो उसने अपनी बहन को
सोता पाया। जब उसकी माँ ने उसे आराम से सुलाया और खूब प्यार किया तो डब्बू फुसफुसाया, मेरी प्यारी माँ, मेरा प्यारा घर, और वो सो गया। कोरोना से लड़ने के लिए सावधानी बनाए रखें। घर में रहें सुरक्षित।